नमस्ते मित्रों, टुडे इज सेकेंड डे ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। और मैं उठ के फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, मैंने फेस वॉश वगैरह कर चुका है, मैं रेडी हो चुकी हूँ जिम के लिए, मैंने शूज वगैरह सब कुछ पहन लिए हैं और मैं बस पानी पी रही हूँ, नींबू पानी पी रही हूँ। और उसके बाद मैं एक छोटा सा कॉफी शॉट लूंगी क्योंकि मैं जिम जाने से पहले लेती हूँ, ये लेते हैं और उसके बाद चलते हैं जिम। और आज जिम के बाद हम स्विमिंग नहीं जाएंगे, स्विमिंग जाएंगे हम शाम को। क्यों? क्योंकि कल जब हम स्विमिंग गए थे तो स्विमिंग में जो वहाँ पे भैया हैं जो मेंटेनेंस रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैम आज शाम को और कल सुबह स्विमिंग पूल बंद रहेगा क्योंकि क्लीनिंग वगैरह होनी है, क्योंकि सोसाइटी है तो काफ़ी बच्चे बच्चे रहते हैं तो रेगुलरली क्लीनिंग होती रहती है, तो फिर स्विमिंग चलेंगे शाम को। तो अभी चलते हैं जिम और करते हैं वर्कआउट और मिलते हैं आपको जिम में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल या मतलब जब हम जिम जा रहे थे 3-4 दिन से, तो मैं जनरली फुल बॉडी ही वर्कआउट कर रही हूँ, वो भी बहुत लाइट वर्कआउट। तो आज हमने डिसाइड किया, हमने मतलब मैंने मैंने डिसाइड किया कि आज हम करेंगे अपर बॉडी वर्कआउट। और मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैं और दिन जो है वो मैं जिम जाती हूँ 6 बजे, यानी मैं 5:30 उठ जाती हूँ, उसके बाद जो भी बेसिक रूटीन होता है और उसके बाद मैं 6 बजे तक जिम पहुँच जाती हूँ। पर आज मैं लेट हूँ, 8 बज चुके आज, मतलब मैं 7:30 बजे उठी हूँ बिकॉज स्विमिंग सुबह सुबह नहीं जाना था, तो मैं थोड़ी आलसी हो गई। और क्योंकि इतना सॉलिड रूटीन था नहीं तो मैं इतनी थकती नहीं थी और कभी कभी कुछ कुछ खाती रहती थी, अभी ये सब नहीं हो रहा तो लाइक लिटिल टायर्ड। तो यस, अभी 8 बज रहे, मैं ऑलमोस्ट जिम पहुँच चुकी हूँ, ये रहा जिम। तो लेट्स स्टार्ट द जिम। बन भी हो चुका है जिम, एक्चुअली सब लोग जा चुके हैं, तो मैंने इनसे बोला क्योंकि मेरी 2 एक्सरसाइज बच गई थी, तो मैंने इनको बोला प्लीज आप ओपन कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। तो वो गार्ड भैया को बोल के जाएंगे कि जिम क्लोज करने के लिए, तो मेरी 2 एक्सरसाइज बची है, फटाफट करते हैं और कल से लिटरली टाइम पे आएंगे, क्योंकि जब सुबह में आती हूँ तो 3 से 4 लोग होते हैं और उस टाइम पे शूट भी करना इजी होता है और एक्सरसाइज करना भी इजी होता है। इस टाइम पे तो लिटरली क्या बताऊँ। तो हो सकता है कि मेरी पोस्चर्स अभी थोड़े बहुत ख़राब हो क्योंकि मैं बिकॉज ही सोसाइटी जिम है, तो यहाँ पे ट्रेनर है पर वो इतना ध्यान नहीं देता, देते तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने ट्रेनर को, चाहे वो हेल्प करें ना करें, सो सॉरी, तो इतना ध्यान नहीं देते। सो मैं जो भी कर रही हूँ यूट्यूब से ही कर रही हूँ, और मैं एक बार कुछ दिन मैं कर लूँ उसके बाद मैं बताऊँगी कि मैं आप किन की वीडियोज़ देख के मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। मतलब अपनी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा इतना क्या है सरप्राइज़ रखना कि मैं किसकी कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। क्रिसी सैला करके एक यूट्यूबर है एंड शी इज़ अमेजिंग एक्चुअली, तो मैं मेरा जो भी जिम वर्कआउट है मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ डाइट। और हाँ, मैं फिर से भूल गई, तो आज जो मैं मतलब जो वीडियो देख के आज का जो मैंने वर्कआउट करा है, तो उनका वाला वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, इफ़ यू वॉन्ट टू नो दैट, और इफ़ यू वॉन्ट कि आप जानना चाहो कि मैं कौन सी वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपका। वर्कआउट हो चुका मेरा कंप्लीट, पसीने से हो चुके हैं बुरे हाल, चलते हैं घर वापस और मिलते हैं नोरा एंड बघीरा से। मैंने आपको नोरा बघीरा से मिला है, मतलब अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उससे मिले होंगे, और अगर आप मेरी मतलब बिल्कुल नए नए जुड़े हो तो आप दोनों को नहीं जानते हो। नोरा बघीरा मेरे 2 क्यूट से डॉग्स हैं, तो जाते हैं उनसे भी मिलते हैं, कम विद मी टू मीट देम। उपसी भैया ने मेरे को बोला था मैम आप जब जाओगे तो एसी वगैरह लाइट्स वगैरह बंद कर देना, और मैं भूल गई, तो मैं ऑलमोस्ट आधे रास्ते से तो ऐसे बोलूँ जैसे कितने दूर होगा, नज़दीकी था घर है घर तो आपको पता ही है। तो मैं वापस आई क्योंकि किसी ने भरोसा कराया यार, भरोसे से बोला हुआ है कि मैम लाइट्स वगैरह बंद कर देना, और मैं चली गई ऐसे
तो अब लाइट वगैरह हो चुकी है बंद, नाउ आई विल गो। यहाँ की लाइट कहाँ से है? एक जगह और एक लाइट और खुली है, ये कहाँ से है? इसके लिए तो नहीं बोला भैया ने मुझे, पर कैन फाइंड इट अगर मुझे मिल जाता है। हाँ तो भाई स्विच नहीं दिख रहे, भाई तुम कहाँ से हो है? में ये वाला रोड ऑन है, स्विच बोर्ड तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, वो तो सारे स्विच बोर्ड बंद ही हैं। नहीं, 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 नहीं। ये भी नहीं लग रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा। पर भैया ने मुझसे सिर्फ दो स्विच बोर्ड्स के लिए बोला था कि वहाँ पे जो दो है वो बंद कर देना, तो क्या मुझे ऐसे ऐसे खुला छोड़ के चले जाना चाहिए? सारे स्विच बोर्ड तो बंद है, तो लाइट कहाँ से आई है? खैर छोड़ो, नहीं कर रही मैं, क्योंकि जो दो स्विच बोर्ड उन्होंने बोले थे सारे बंद कर देना, वो मैं बंद कर चुकी हूँ। और मैं पूरे जिम में ढूंढ चुकी हूँ, कोई भी स्विच मुझे दिख नहीं रहा है। अब कहीं भैया छुपा के कोई स्विच भी रखा है, स्विच बोर्ड है, तो मैं नहीं ढूंढने वाली उसको। मैं हूँ वैसे भी अभी गार्ड पर, मुझे जाते हुए देखेंगे तो गार्ड भैया आ जाएंगे, खुद ही बंद कर देंगे। चलो वापस, दोनों को इग्नोर कर देना थोड़ी देर, ये बैठा हुआ है क्योंकि जहाँ खाना है वहाँ ये। ओए तो ये है बाउल, तो इसमें मैंने डाला है दही और ओट्स, आपको पता है, और बनाना। फ्रूट्स आप कोई भी डाल सकते हो, आप चाहे तो मैंगोज डाल सकते हो, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, ब्लूबेरीज डाल सकते हो, जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल दो। और अगर आप एग भी, इसकी कितनी टोटल कैलोरीज है मैं वो वीडियो में मेंशन कर दूंगी, और अगर आप एग में एग भी इसमें डालते हो तो फिर उसकी आप टोटल कैलोरीज ब्रेकफास्ट की कितनी हो जाएगी मैं बता दूंगी, पर इट्स अ फिलिंग। ओ सॉरी, इसमें मैं प्रोटीन डालना तो भूल गई, रुको मैं प्रोटीन डाल के आती हूँ। तो ये है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। अब कई लोग इसमें डिबेट करेंगे कि यार इनसे कुछ नहीं होता, लाना फलाना ढिमकाना, बट मैं यही ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। तो हम एक चम्मच ही लेंगे। ए तो इसमें एक स्कूप प्रोटीन है, और एक स्कूप प्रोटीन में उसमें बॉक्स में लिखा है एक स्कूप प्रोटीन मतलब 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हट जाना है यार बाबा, 10 ग्राम्स प्रोटीन। तो अब मैं बता दूंगी कि टोटल कैलोरीज इतने कितने कितनी कैलोरीज हैं ये, और उसके बाद अगर आप इसमें एग भी डाल देते हो तो टोटल कैलोरीज तब कितनी हो जाएंगी ब्रेकफास्ट की। लेट्स एंजॉय द ब्रेकफास्ट। तो मिक्स करके कुछ ऐसा दिखेगा, और आपके घर पे डॉग है तो कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी मैंने फूड, तो अगर आपके घर पे डॉग्स हैं तो आप ऐसे ब्रेकफास्ट करोगे, ठीक है, एक्सेप्ट इट कि यही होने वाला है। मैं खाना खा लूँ नूरा, मैं खा लूँ, है ना, उठ जा, हटना हटना यार नूरा, मेरे को खाने दे यार। तो आपको मतलब थ्रू आउट ऐसे ही खाना है, आप एक्सेप्ट कर लो ये रियलिटी। अगर आपके पास ऐसी क्यूट सी बच्ची हो तो, अगर 1% अगर आप उस प्यारी सी नोरा को हटा दो तो ये दूसरा है, तो ये आपको नहीं खाने देगा। तो वो जाएगी तो ये आ जाएगा। तो और रही पानी की बात, तो मेरे पास कोई फैंसी बॉटल्स नहीं है, तो ये एक 1 लीटर की बॉटल है, मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी, अभी नहीं बहुत पहले, इसमें जूस था मतलब। तो बस मतलब पूरे दिन में मुझे इस बॉटल की 4 बॉटल ख़त्म करनी है, तो ये अभी मैं 1 ख़त्म कर चुकी हूँ और ये इतनी ख़त्म हो चुकी है। अभी पूरे दिन में मेरे को बाकी की ख़त्म करनी है, मतलब ऑलमोस्ट 3 ही लगा लो, इतना कौन काउंट करता है। तो यस, तो ये बॉटल है 1 लीटर की बॉटल है, इससे 4 बॉटल पूरे दिन में। सो लंच इज़ रेडी। लंच में है, सॉरी दिख नहीं रहा है, नीचे दलिया, इट्स अ 50 ग्राम ऑफ दलिया। मैं राइस बनाने वाली थी पर मुझे पता चला राइस ख़त्म हो गया। और इसमें है राजमा और काले चने, छोले वाले चने, और ये जो वाइट वाले होते हैं तो नहीं, हम इसको सोयाबीन बोलते हैं साथ, सोयाबीन। और मैं मतलब मेरे हस्बैंड तो सुबह ऐसे ही खा लेता है वो, मतलब भिगा के, पर मुझसे नहीं खाए जाते, तो मैंने कुक किया हुआ है अच्छे से, और कर्ड और खीरा। सो दिस इज माई लंच। और मैं इस बाउल में ही क्यों खा रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल छोटा बाउल है, और अगर मैं प्लेट में खाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा खा लूंगी, तो इसमें मेरा पोषण कंट्रोल अच्छे से हो जाएगा। सो मैं जा रही हूँ स्विमिंग के लिए, मगर मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, बिकॉज 5 से 6 शाम के टाइम पे जो होता है वो महिलाओं का बच्चों का टाइम होता है, तो उसमें तो 6 बजे करण आएगा स्विमिंग के लिए, मतलब मेरा पति।
वो आएगा तो वो अपने साथ फ़ोन लेके आएगा, अगर आया तो आई शूट समथिंग, अगर नहीं आया तो फिर नो स्विमिंग का वीडियो. ओके आई सी यू सून. तो स्विमिंग मैं गई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं स्विमिंग जा रही हूँ और मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही हूँ, करण आएगा. बट स्विमिंग आज अभी भी बनता शाम को, तो उन्होंने बोला कि मैम कल खुलेगा क्योंकि अभी क्लीनिंग में चारों तरफ क्लीनिंग करना है. तो फिर उसके बाद करण भी नहीं आए और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक रनिंग पे. तो मैं एक घंटा रन करके फिर वापस आई. तो आज स्विमिंग नहीं हुई, आज रनिंग हुई. और मुझे पता होता है कि शायद मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ तो मैं फ़ोन लेके जाती हूँ, क्योंकि स्विमिंग में शाम के टाइम में ना बहुत सारे लोग आते हैं, फिर बहुत सारे लोग आते हैं उसमें तो क्योंकि ना शाम को स्विमिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, सब कुछ आते हैं. तो फिर ऐसे ना फ़ोन अगर जगह एक जगह लगाओ तो बच्चे छेड़खानी करते हैं, फ़ोन हटाते हैं, छेड़ते हैं, देखते रहते हैं. तो इसलिए मैं स्विमिंग पे नहीं लेके जाती फ़ोन की. अगर मैं कहीं ट्राईपॉड लगा के लगा भी दूँ तो छोटे छोटे बच्चे डेफिनेटली उसको छेड़ेंगे. छोटे छोटे मतलब 5, 6, 7, 8, 9 साल, वो दो अपने आते हैं वो पेरेंट्स के साथ, बट स्टिल वो लोग पता है ना बच्चे छोटे छोटे बच्चे शैतान होते हैं. तो हाँ, तो आज रनिंग हुई थी और कल चलते हैं सुबह स्विमिंग पे और फिर कल मिलते हैं. टाइम हो रहा है 7 o'clock और डिनर पे सुबह जो मैंने प्रोटीन वाला जो पूरा बनाया था दाल का वो बचा हुआ था और कल के पनीर बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा उसे सॉटो कर लिया. और नीचे ही नीचे खीरा भी है, तो मैं आज रोटी नहीं ले रही हूँ क्योंकि ज़्यादा सारे बनाने में, अगर आप तो मैं एक रोटी ले लेती, बट आई थिंक इट्स अ सफिशेंट डाइट टू द डिनर. तो मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और बिलीव मी ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है. मैंने हल्का सा ऊपर से चाट मसाला डाल दिया तो ये और भी टेस्टी लग रहा है, यमी. और आई थिंक ये बहुत फिलिंग भी है. अभी 7 भी बज रहा है तो मैं सोती वही हूँ 11 बजे के आसपास, तब तक डाइजेस्ट भी हो जाएगा आराम से. Mm-hmm.